नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में अब कोरोना संक्रमण का असर कम होता जा रहा है। बता दें कि बीते 24 घंटे में प्रदेश में 4 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और इस दौरान एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 5 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है, जिसके बाद राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 173 हो गई है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बीते दिन 11,270 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि बागेश्वर, चमोली, चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। लेकिन वहीं अल्मोड़ा में 1 और देहरादून में 3 संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है, जिसके चलते अल्मोड़ा और देहरादून में लगातार लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। वहीं प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,44,062 हो गई है। इनमें से 3,30,326 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,404 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं प्रदेश की रिकवरी दर 96.01% और संक्रमण दर 0.04% दर्ज की गई है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।